वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन में एक साथ पीस रैली, पीस मार्च, फ्लैग मार्च का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। हमारे साथ एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट सीपी एसबी, डीसीपी साउथ, एडिशनल डीसीपी साउथ, तमाम ऑफिसर साउथ जोन के और सिटी आर्म रिजर्व पेटला बुर्ज के सारे ऑफिसर्स, खास करके नए रिक्रूटेड जो ऑफिसर्स हैं, विमेन ऑफिसर्स हैं, उन लोग सबके साथ ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। फ्लैग मार्च का जो मकसद है, पर्पस है, आवाम में, पब्लिक में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। 1 दिसंबर को जो जीएचएमसी का इलेक्शन है, ये बिल्कुल पीसफुल, इम्पार्शियल और फेयर हो, और इसके लिए हम सब आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, आपके आपको आपकी सहूलियत के लिए हम लोग सब इंतजाम किए हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर को हर घर से जितने वोटर हैं, 100% आकर आप लोग वोट कीजिए। आपकी वोट से ही हैदराबाद के डेवलपमेंट की बुनियाद रखी जाती है, और इसीलिए आप आकर हैदराबाद को मजबूत करेंगे वोट डालकर, जिससे तेलंगाना मजबूत होगा और पूरा हिंदुस्तान मजबूत होगा। तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत गुड विशेस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब 1 दिसंबर को जरूर आएंगे। शुक्रिया। हैदराबाद के हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, आजकल इलेक्शन का माहौल है, जीएचएमसी का इलेक्शन चल रहा है। ऐसे माहौल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स देर रात तक आप लोगों से मिल रहे हैं, अपनी प्लानिंग आपको बता रहे हैं, मगर साथ में ही हमें पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी शहर हैदराबाद की तरक्की से जलते हैं, और ऐसे लोग जो हैदराबाद की तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से कॉम्युनल इशू, दंगा करने के लिए कुछ न कुछ तरकीब सोच रहे हैं। चाहे वो फेसबुक पर गलत चीज का पब्लिसिटी हो, ट्विटर में कुछ पुरानी चीजों को मॉर्फ करके डालने का बात हो, या फॉल्स न्यूज, प्रोपगांडा, इन सब बातों का सहारा लेकर हैदराबाद का जो अमनो चैन है उसको वो लोग बिगाड़ना चाहते हैं। दोस्तों, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन शहर हमेशा रहता है। हम अपने शहर को नहीं हारने देंगे, और किसी भी हालत में इस तरह के कम्युनल लोगों को हम सफल नहीं होने देंगे। आप और हम मिलकर इन शैतानों को नंगा करके कानून के सामने रखेंगे, जिससे कोर्ट में उनको सजा मिले। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह का कुछ भी फॉल्स प्रोपगांडा अगर आप देखते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिए। आप पहले पुलिस से बात करिए, इस तरह के कम्युनल लोगों के लिए ही पीडी एक्ट बना है, और अगर जरूरत हुआ तो इन शैतानों को पीडी एक्ट के तहत हम चंचलगुड़ा भी भेजेंगे। आपने और हम सब ने मिलकर इस सुंदर शहर को अपने हाथों से संवारा है, सजाया है। आप चाहते हैं कि कुछ शैतानों के हाथ इस शहर का अमन चैन बिगड़े? बिल्कुल नहीं, हम नहीं होने देंगे ऐसा। और मुझे यकीन ही नहीं, आप पर पूरा भरोसा है कि इस तरह के दंगाइयों के फैलाए हुए फेक न्यूज पर आप भरोसा नहीं करेंगे। आप और हम मिलकर हैदराबाद का जो परचम है इसको और ऊपर ले जाना है, जिससे कि यहां इन्वेस्टमेंट बढ़े, रोजगार बढ़े और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां आए और वेल्थ जनरेशन हो। हम और आप मिलकर हैदराबाद को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। गवर्नमेंट
सर मैं बराबर हूँ भाई। प्लीज सर, सर इधर सर। न्यू कर रहे ठीक है, स्पीच कर रहे पहले यहाँ మాట్లాడుతున్నారు